हेलो गाइज़, एक बार फिर से आईपीएस स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंतर्गत अपन देख रहे थे सेल इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। और अब अपन बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के अंदर सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर, अगर कोशिका की संरचना आपसे कहे कि बेटा कोशिका की संरचना किस टाइप की दिखाई देती है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं, ठीक है। वो डिफरेंस क्या क्या है वो अपन बात करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सेल बायोलॉजी के अंदर जो सेल का डायग्राम होता है वो किस तरीके का दिखाई देता है। तो बेटा एक अगर अपन सामान्य तौर पर अगर सेल का डायग्राम अगर देखते हैं तो कुछ इस टाइप की संरचना आपको ये दिखाई देती है। जो सबसे बाहरी लेयर होती है बेटा जंतु सेल के अंदर, जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल के अंदर इस कोशिका झिल्ली से भी एक और ऊपर लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? कोशिका भित्ति। इस तरीके की लेयर एक और पाई जाती है प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। ये आपको यहां पर मैं जो डायग्राम बना रहा हूं बेटा कॉमन सेल्स का है, मतलब दोनों प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स का है ये, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देखिए अगर आप जंतु सेल का डायग्राम बनाते हो तो जंतु सेल के अंदर आपको ये सेल वॉल नहीं दर्शानी है ऊपर वाली, ठीक है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं दर्शानी है। कारण क्या है? उसके अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है जंतु सेल के अंदर, ठीक है। आप देखिए डायग्राम बनाने का सीधा तरीका यही होना चाहिए बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन हो चुका है और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसका लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है, ठीक है। और इसके बीचों बीच में अगर प्लांट सेल पढ़ते हो तो साइड में बना देना और जंतु सेल पढ़ते हो तो बीचों बीच में दर्शा देना। तो इसके बीचों बीच में केंद्र पाया जाता है, ठीक है, इसका केंद्र वाला भाग है ये बीच का भाग। और इस केंद्रक के अंदर ही मौजूद है केंद्रिका। क्या मौजूद है? केंद्रिका मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर क्या मौजूद होता है बेटा? डीएनए, ठीक है, यानी कि गुणसूत्र वगैरह यहाँ पर इसके तंतु रूपी संरचना के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, जो बिखरे रहते हैं इस तरीके से। और इस केंद्रक के अंदर इसका खुद का लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है, केंद्रक द्रव भरा होता है, ठीक है, इस तरीके की संरचना में केंद्रक द्रव भरा होता है, ठीक है। और रिक्तिका के अंदर भी केंद्रिका के अंदर भी केंद्रिका द्रव भरा होता है, ठीक है। अब देखिए बाहर की तरफ, मैं जैसा कि आपको मैंने बता रखा कि बाहर की तरफ भी इसके अंगक पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं बेटा। कोशिकांग को आप एक एक कोशिकांग को इस तरीके से दर्शा सकते हो। ये मान लीजिए क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो ये सेल, जो न्यूक्लियस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है, इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इस तरीके से। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और इन छोटे छोटे छिद्रों से कोशिकांग के रूप में और संपूर्ण कोशिका के अंदर बिखरी हुई अवस्था में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई होती है इस तरीके की संरचना में, ठीक है। इस तरीके की संरचना में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इसका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से जबकि दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से और दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है इस तरीके से, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको ये चीज़ भी कि इस ईआर के ऊपर बाहर की तरफ
छोटे छोटे दाने नुमा संरचना के रूप में मौजूद होते हैं बेटा राइबोसोम। इस तरीके से ठीक है। तो राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ER दो प्रकार की होती है। एक तो होती है SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि कहने का मतलब ये, वो स्मूथ का मतलब होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। और एक होती है RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है? तो उसके ऊपर राइबोसोम जुड़े होते हैं, छूने पर वो खुरदरी लगती है, ठीक है। और जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, लिपिड पाया जाता है, वसा पाई जाती है, तो वो छूने पर चिकनी लगती है, इसलिए उसको SER बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा और इसमें क्या क्या मौजूद हो सकते हैं। तो बेटा इसके अलावा इसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है इस टाइप की संरचना में, ठीक है। ये सिस्टर्नी वाले भाग है बेटा, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं इस तरीके से। इसके अलावा इसमें और क्या मौजूद होता है? तो इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इस टाइप की संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। अपन इनको सब जितने भी कोशिकांग मैं आपको बता रहा हूँ, इनको मैं आपको बाद में बताऊँगा बाहर विस्तार से एक एक कोशिकांगों को, ठीक है। और देखिए बेटा इसके अलावा और इसमें क्या क्या मौजूद हो सकते हैं? तो इसके अलावा बेटा इसके अंदर कटोरे नुमा संरचना के रूप में लाइसोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है। और क्या क्या मौजूद हो सकते हैं? तो ये दाने स्वतंत्र रूपी अवस्था में भी राइबोसोम मौजूद होते हैं, स्वतंत्र रूप में राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और चिपके हुए राइबोसोम भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखिए बेटा इसके अलावा और क्या हो सकता है, अनुमान लगाइए थोड़ा। देखो केंद्रक हो गया, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर सेंट्रियोल भी होते हैं, अगर जंतु सेल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल, ठीक है, ये सेंट्रियोल हो गए। और क्या देख और सकते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर और भी बहुत से छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं, जैसे परोक्सीसोम होते हैं, ग्लायोक्सीसोम होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर मौजूद होते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड मटेरियल है वो कोशिका द्रव कहलाता है। तो कोशिका द्रव को भी दर्शा दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। ये इसका लिक्विड मटेरियल हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा, यानी कि कोशिका के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। इस तरीके से इसकी संरचना होती है। चलिए अब नामांकन करते हैं इसका, ठीक है। तो नामांकन किस तरीके से करेंगे? देखिए सबका नामांकन दर्शाना है आपको यहाँ पर इस तरीके से। तो बेटा ये एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये कॉमन सेल है बेटा। कौन सी सेल है? कॉमन सेल है जो जंतु और पादप दोनों के लिए चलती है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है बेटा इनके अंदर कुछ डिफरेंस भी होता है, मैंने आपको बताऊंगा जंतु और पादप कोशिका के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन जो आपको मैंने ये डायग्राम बनाना बताया है, ये एक कंपलसरी सेल का डायग्राम है, ठीक है। अगर आप जंतु सेल का डायग्राम बनाते हो तो ये जो ब्लू कलर की लाइन ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है ये वाली, ये आपको नहीं बनानी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको क्या नहीं बनाना है? सेल वॉल नहीं बनानी है, ठीक है। चलिए नामांकन करते हैं बेटा। तो सबसे बाहर की तरफ जो ये वाली लेयर है, ठीक है, सबसे बाहर की तरफ जो ये वाली लेयर है इसको अपन क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेटा
सेल वॉल, क्या बोलते हैं सेल वॉल हिंदी में? बोलते हैं इसको कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया, ये कई बार रिपीट कर दिया है कि जंतु सेल के अंदर आपको सेल वॉल नहीं बनानी है। जंतु सेल कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से, इसके जस्ट नीचे की तरफ जो दूसरी लेयर है ये वाली, इसको अपन क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसे? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और हिंदी में क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को? हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा अंदर आ जाइए, तो जो इसका लिक्विड मटेरियल है, जो कि ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे दानों के रूप में इस तरीके से पूरे में बिखरा हुआ है, तो बेटा इसको बोलते हैं अपन कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और हिंदी में बोलते हैं इसे कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं हिंदी में से? कोशिका द्रव। अब आगे देखिए, अब अपन बीच सेंटर वाले पार्ट पर चलते हैं। तो बीच सेंटर का जो पार्ट है ये वाला, जो कि रेड कलर से मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है, इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। और हिंदी में न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लियस को केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। आप देखिए और थोड़ा अंदर चलिए, तो केंद्रक के अंदर भी आपको लिक्विड मटेरियल भरा हुआ दिखाई देता है। तो जो ये लिक्विड मटेरियल है, इस लिक्विड मटेरियल को अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं हिंदी में से? केंद्रक द्रव, ठीक है। और देखिए यहाँ पर केंद्रक के अंदर जो ये धागे नुमा संरचना जो दिखाई दे रही है, इस धागे नुमा संरचना को अपन बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इन्हें? गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। आप चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर की जो लाइनें दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, नलिकाकार संरचना के रूप में, जो कि एक कंप्लीट सेल का स्केलेटन सिस्टम बनाती है, कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कौन करती है? ER, जो है दिखाई दे रहा बेटा, इनको बोलते हैं ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। और देखिए आगे जो ये ब्लैक कलर की जो संरचना जो दिखाई दे रही है, इस ब्लैक कलर की संरचना को क्या बोलते हैं बेटा? तो इस ब्लैक कलर की संरचना को अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं बेटा सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं हिंदी में? सूत्रकणिका, ठीक है। अब देखिए इधर की तरफ आ जाते हैं, तो इधर की तरफ देखिए बेटा, यहाँ पर जो ये थैलेनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है, इस थैलेनुमा संरचना को क्या बोलेंगे?
इस थैलेनुमा संरचना को बोलते हैं बेटा लाइसोसोम। लाइसोसोम ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लाइसोसोम को लयनकाय। क्या बोलते हैं? या लयनकाय या लयनकारी। ठीक है, और देखिए आगे, यहाँ पर एक संरचना और छूट चुकी है बेटा ये वाली, तो यहाँ पर इसको दर्शा देता हूँ बेटा। देखो जो ये वाली संरचना है, यहाँ पर देखिए इस वाली संरचना को अपन बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी बोल सकते हो बेटा आप। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? गोल्जी काय। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? गोल्जी का है। ठीक है, अब इधर आ जाइए वापस से। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो ये दान एनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम को हिंदी में राइबोसोम ही बोलते हैं बेटा, राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद ये देखिए जो ब्लू कलर की संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और कन्फ्यूजन कर रही है, कि यहाँ पर आपको एक चीज़ और दर्शा देनी है, रिक्तिका। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, इसको अपन क्या बोल देंगे? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? रिक्तिका। लेकिन ध्यान रखना, रिक्तिका प्लांट सेल्स के अंदर बड़ी होती है, जबकि जंतु सेल के अंदर छोटी होती है, और संख्या में ज़्यादा होती है जंतु सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर संख्या में एक या दो ही होती है। ठीक है बेटा, अब देखिए थोड़ा और ऊपर चलिए वापस से। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा? तो इस पार्ट को अपन बोलेंगे सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल हिंदी में बोलते हैं इसे तारक काय। क्या बोलते हैं हिंदी में से? तारक काय। और देखिए आगे, जो बीचों बीच में ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, केंद्रक के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसे बेटा केंद्रिका। क्या कहेंगे इसे हिंदी में? केंद्रिका कहेंगे। ठीक है, और देखिए, और कोई सांग तो नहीं छूट रहा है यहाँ पर कोशिका के अंदर? तो मेरे हिसाब से तो शायद पूर्ण हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा और भी अंग इसके अंदर मौजूद होते हैं, वो जगह कम है इसलिए आपको दर्शाए नहीं है मैं यहाँ पर। तो याद रख लेना, उनको परोक्सीसोम है, ठीक है बेटा, क्लाइऑक्सीसोम है, ठीक है, ये सब के सब इनके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा और अपन देखेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत क्या है? तो यहाँ तक आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि बेटा, अगर एक जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर अगर अपन देखते हैं, तो अपन को डिफरेंस क्या क्या दिखाई देता है? तो देखिए बेटा, जंतु कोशिका के अंदर हरित लवक उपस्थित होता है, सॉरी, प्लांट सेल के अंदर हरित लवक उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर हरित लवक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और देखिए प्लांट सेल्स के अंदर जो केंद्रक है, ये थोड़ा साइड में स्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये मध्य में स्थित होता है। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर
जो रिक्तिकाएं होती है वो आकार में बड़ी होती है और संख्या में कम होती है, जिसके कारण क्या होता है जो केंद्रक के ऊपर इसका थोड़ा प्रेशर पड़ता है और केंद्रक थोड़ा साइड में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। जबकि जंतु कोशिका के अंदर जो रिक्तिका होगी वो छोटी होगी और संख्या में ज़्यादा होगी। ठीक है, जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिका छोटी होती है और ज़्यादा होती है। ठीक है, तो तीसरा डिफरेंस ये भी हो सकता है कि पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका बड़ी और संख्या में कम होती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिका छोटी और संख्या में ज़्यादा होती है। ओके, इसके अलावा देखिए सेल वॉल के ऊपर चलते हैं, तो ये मेन डिफरेंस माना जाता है बेटा सेल वॉल का। तो जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल एब्सेंट, पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, और देखिए आगे क्या देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो जंतु कोशिका है उस जंतु कोशिका के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो पूर्ण विकसित होता है, और किस नाम से जानते हैं इसको, गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, गोल्जी काय के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि पादप कोशिका के अंदर जो गोल्जी काय है वो अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, और इनको वहाँ पर डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डिक्टियोसोम से, सोम के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा और भी डिफरेंस है वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, ठीक है, तो कैसे बनाओगे प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर, तो प्लांट सेल के अंदर आपको एक तो ये नहीं दर्शाना है ऊपर वाला, सॉरी एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है, यानी कि जो सेल वॉल है ये आपको हटा देनी है। स्टार्ट कहाँ से करना है, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, सेंटर बीच में रहेगा ही, बाकी और क्या हटा देना है आपको, तो यहाँ से आपको एक हटाना है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इसके अलावा जो ये दर्शा रखा है अपने रिक्ति का, ये छोटी छोटी दर्शा देना और बहुत सारी दर्शा देना। ठीक है, तो ये होता है एनिमल सेल। और प्लांट सेल्स के अंदर आप जानते ही हो बेटा, वापस से जो आप ये जो संरचना दर्शा रखी है, इसके अलावा हरित लवक वगैरह सब कुछ वापस से इसके अंदर आ जाएंगे, तो वो होता है प्लांट सेल्स के। ठीक है, तो इसके बाद जो अपन बात करने वाले हैं सेल सेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो पढ़ेंगे अपन सेल थ्योरीज, कोशिका सिद्धांत, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही, थैंक्स ए लॉट। ठीक है बेटा, तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।